तो कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना भाई? हाँ। तो दोस्तों, ये हमारे साथ सलानी भाई हैं और हम पाखर में बैठे हुए। भाई आप लोग से बहुत बहुत यार खुश हो यार कि आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, 1K सब्सक्राइब कंप्लीट करवा के 1200 सब्सक्राइब कंप्लीट होने पे आ चुका है भाई। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, आभारी हूँ आप लोग का। तो भाई लोग आप लोग ऐसा ही प्यार बनाए रखेंगे, प्यार और सपोर्ट दिखाते रहेंगे। तो चले आज हम लोग मस्ती इंजॉय के साथ वीडियो बनाने वाले हैं। और अभी जो है मेरा पाखर पे बैठा हूँ, या पाखर के पे हरा भरा नज़र आ रहा है हमारे सलानी भाई। चश्मा कैसा लग रहा है? ये चश्मा लेके आया है, जो धूप ज़्यादा लग रहा है ना तो आँख पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है, तो रस्सी बांधे हुए हो। चलो तो हाँ, एकदम हैंडसम लग रहे हो भाई, क्या जबरदस्त फोटो खींचेगा तुम्हारा। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कड़ी धूप है और हम लोग यहाँ पे आकर के हवा खा रहे हैं, जबरदस्त लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, बने रहेंगे वीडियो के एंड तक। आज के व्लॉग में बहुत अमेजिंग और इन्जॉय वाला वीडियो बनाने वाला हूँ। और मेरा एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आने वाला है, जो मैट्रिक का एग्ज़ाम का रिजल्ट है, आज 2 बजे आएंगे, तो वो वाला भी मैं वीडियो बनाऊंगा। रिएक्शन मेरा क्या रहता है या एग्ज़ाम के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, वो सब बताऊंगा आज के व्लॉग में। पूरा वॉच कीजिए व्लॉग को, है ना भाई? पूरा वीडियो देखिए। और आप लोग से बहुत बहुत आभारी हूँ भाई लोग, जो आप जो है मेरे को प्यारा सपोर्ट दिखाए। चलिए बनते रहें वीडियो के एंड तक। घर पर बैठे हुए हैं, ये हमारे दादा हैं पड़ोसी का, और नबीना है जो अंधा है, ठीक है? तो देख सकते हैं। तो दादा कहाँ हाल है, ठीक ठाक है ना? बहुत बढ़िया है। हाँ, मजे से जा रहा है। सब का वो बुढ़ापा 5 आ गया, 25 है, वल्ला बेरा पार लगा, वल्ला बेरा पार है। 5 साल आरो 25 को रोजा यार है ना। हाँ। अच्छा, चलिए, सबका बुढ़ापा आता है, मेरे लोग का भी आएगा, लड़कपन के बाद जवानी। तो दोस्तों आज का व्लॉग बहुत जबरदस्त होने वाला है, तो बने रहेंगे वीडियो के एंड तक, है ना? और हम लोग शादी होता है 3 ठो। अच्छा, तो इस पाखर के पेड़ तर कैसा महसूस होता है बैठने के? जोर दादा, ये पाखर पे बैठने में कैसा महसूस होता है? बहुत बढ़िया, भर दिन ही पर रहते हैं ना, जैसे लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, एक हाँ ऐसा मजे का पाखर कहीं पे नहीं है। बहुत दादान हवा आता है, पूरा मैदान है, देख ही सकते हैं आप, फसल वगैरह है, ठीक है? और यहाँ पे एकदम हरा भरा पाखर है, और यहाँ पे खास करके दादा जो है ना पत्ता किसी को तोड़ने नहीं देते हैं ना, क्योंकि छाया हो जाए ना एकदम इधर उधर हो जाते हैं, जब पत्ता ख़त्म हो जाते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे आके बैठते हैं, टाइम पास करते हैं। अभी गर्मी शुरू हुआ है, अब कुछ दिन में और आदमी आकर के बैठेंगे, है ना? पारा है, देख सकते हैं, और इनको हिफाजत करते हैं, इन से अभी चल रहा है ना। चलो रे सलानी भाई, और कुछ बताएंगे आप? चलिए, तो दोस्तों बने रहेंगे वीडियो के एंड तक, आपको और अमेजिंग चीज़ दिखाने वाले हैं। देख सकते हैं ये पाखर का पौधा है, जो हवा बहुत अच्छा है, और दर हवा का आवाज़ आ रहा होगा आपके मोबाइल की स्पीकर में, तो सॉरी। तो चलिए दोस्तों, और अमेजिंग चीज़ दिखाते हैं आपको। कर रहे हो? कहाँ पे पढ़ते हो? उधर उधर स्कूल, इधर गाछी है। अच्छा, उसके पीछे स्कूल है, दिख रहा है दोस्तों? अच्छा, वहाँ पे जाके दिखा देगा, नहीं है दिखा देंगे, यहाँ से दिख रहा होगा शायद। वे 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 तो हाँ, चलो ये बात करते हैं, पढ़ते हो? अच्छा अच्छा, पढ़ता है? नहीं पढ़ता है, खाली एक बस। ऐसा मास्टर क्या करना चाहिए? ऐसा मास्टर को हटा देना चाहिए।
अच्छा वो सब छोड़ो, सरकारी स्कूल में खाना उना भी खिलाता है ना? खाना खिलाता है, पर सेब उप जो देता है केला वगैरह एतवार वो भी नहीं देता है? नहीं है भाई। और खाली खिचड़ी? अनियाय है मगर ना। ओह यार इसे तो पतले हो यार, खिचड़ी खिलाता है खाली। तो ये आपकी बुलेट है ना जो साइकिल है? हाँ। हमको इसको क्या बोलते हैं मालूम है? प्यार से क्या बोलते हैं इनको? आप अच्छी बोलते हैं, कभी कभी R15 बोलते हैं इनको। आप क्या बोलते हैं? साइकिल बोलते हैं। चलिए अच्छी लफ्ज है। तो दोस्तों हम लोग भी पाखर पे बैठे हुए हैं और चलते हैं, मिलेंगे किसी और जगह पे। अभी काफ़ी ज़्यादा कड़ी धूप है तो अब शाम के समय मिलते हैं, है ना भाई? चलो कंप्लेन तो करेंगे मास्टर को हम, है ना? नहीं विश्वास है तो उससे पूछिए। ऐसा है? हाँ। पैसा भी नहीं देता है? कितना क्लास में हो? चौथा क्लास में हो? ऐसी बात है, पैसा भी नहीं देता है? नहीं। चलो गाड़ी निकालो तो अभी जाता हूँ मैं। ए गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छोड़ गया। हम फर्स्ट। ए स्टार्ट। हम फर्स्ट। गाड़ी चला। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रब। वहाँ पे स्कूल है, स्कूल अभी बंद है तो कंप्लेन नहीं कर सकता हूँ। चलिए वहाँ पर पाखर में मिलते हैं। बहुत अच्छा वहाँ पे हवा भी आता है, काफ़ी ज़्यादा हवा वहाँ पे वो पाखर पे मिलता है, ये पाखर पे कम हवा मिलता है। फिर भी सबसे बड़ा पाखर ये, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बड़ी पाखर बोलते हैं। आज जहाँ पे अभी थे वहाँ पे उसको छोटी पाखर बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं, जरूर बोलते हैं ना। वो भौजी पाखर है, बहुत किस्म का पाखर है, वो भी दिखाऊंगा आपका शाम के समय में। छोटी पाखर, भौजी पाखर, बड़ी पाखर, सब पाखर है, ठीक है? पहले ज़माने का आदमी जो है ना नाम रखे हुआ है, है ना सलानी भाई? तो दोस्तों इनको बड़ी पाखर हम लोग बोलते हैं, छोटी पाखर जहाँ पे थे उसको बोलते हैं, अब भौजी पाखर उनसे भी आगे है तो वो भी दिखाऊंगा, और सिदिली पाखर जो है ना बोलते हैं वो भी दिखाऊंगा आपको, सब दिखाऊंगा आज के व्लॉग में। तो दोस्तों ये देख सकते हैं जो हम लोग इसको बड़ी पाखर बोलते हैं। काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा हवा नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी हवा आता है लेकिन आती है। हवा आती है ना भाई? आती है कि आता है? आता है नहीं, आती है हवा, आती है बहुत अच्छी हवा आती है। और यहाँ पे बैठने में बहुत मज़ा आता है, तो यहाँ पे हम लोग बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे, चढ़ नहीं पाएंगे। हम चढ़ जाएंगे लेकिन सलानी भाई नहीं चढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना। चलिए दोस्तों और अमेजिंग चीज़ दिखाते हूँ। जैसे खीरा की फसल है और सलानी जो है ना पानी पट रहा था तो सलानी मुँह हाथ धोने चला गया है। और खीरा की फसल काफ़ी अच्छी फसल है और यहाँ पर सलानी भाई जो है ना पाँव हाथ धो रहे, मुँह हाथ धो रहे और नल में, और देख सकते कितना अच्छा फसल है खीरा की है, फूल उल दे दिया, पानी पटा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी व्यू आ रहा है और हम लोग जो आते हैं। तो आओ सलानी भाई, कैसा लगा धो करके? तो चले आप घर के तब चलते हैं, शाम में मिलते हैं। चलो बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो। तो मैं बता रहा था भाई, ये छोटी पाखर है, वो बड़ी वाली पाखर है जो मैं पहले दिखाया था, जहाँ पे से मैं जो है ना ये करके आया था, तो वो वाला बड़ी पाखर है, ये छोटी पाखर है। मैं भौजी पाखर को मुलाकात कराने वाला हूँ, जो हम लोग प्यार से उसको भौजी पाखर बोलते हैं। और सिदिली पाखर के बारे में बताया गया क्या क्या नाम है ना, मेरे को हंसी लग रहा है दोस्तों। और अभी अफ्तार हो चुका है मेरे का, अफ्तार हो करके ही मैं आ रहा हूँ इधर टहलने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा शाम नहीं हुआ है, एकदम अच्छा मौसम है यहाँ पर। हम लोग जो है गर्मी, और सा गर्मी होगा ना तो हम लोग इधर आके टहलेंगे, आप बैठेंगे, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते कितना अच्छा फसल सब है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को अभी इस टाइम में। और सूरज तो डूब चुका है, तो हम लोग अफ्तार करके आ चुके हैं, और कोई बंदा आया नहीं। मैं साइकिल से आ रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि बंदा साइकिल से चला रहा है,
तो चलो मैं आप भौजी पाकर आपको मिलाता हूँ और देख सकते हैं कितना फसल अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो उन वीडियो में किसान के हमदर्दी दिखाएंगे और किसान किस तरीके से अपना इतना रुपया खर्च करके वो जो है ना कितना फ़ायदा होता है उनको, उन पे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वो वीडियो के लिए इंतज़ार करेंगे। और दोस्त एक बात बता दूँ, मेरा 1K सब्सक्राइब जो कम्प्लीट हुआ है उनके बारे में बताने वाला हूँ। 1K सब्सक्राइब जो हुआ है तो उसके 1K सब्सक्राइब जो कम्प्लीट हुआ है उसके खुशी में, उनके खुशी में मुझे कुछ करना चाहिए, है ना। जैसे कि एक उसको केट वगैरह काटने का है ना, वो सब करना चाहिए था, लेकिन 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 पॉकेट मनी नहीं, क्या करूँ यार। अभी जो है घर वाले भी नहीं देंगे क्योंकि अभी मैं मोनेटाइज नहीं हुआ, मेरा चैनल मोनेटाइज में सक्सेसफुल नहीं हुआ ब्रो। तो अभी जो है मेरे को बहुत मेहनत लगेगा, हद से ज़्यादा मेहनत लगेगा। और हम आ चुके हैं इस तरफ जो काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुका है और उस टाइम से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और जल्द वीडियो लाने वाला हूँ और आपको मुलाकात कराता हूँ भौजी पाखर। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हम लोग इसको भौजी पाखर बोलते हैं, और वहाँ पे जो एक पाखर नज़र आ रहा होगा वहाँ पे वो पाखर को हम बोलते हैं छोटी पाखर। और उनसे भी आगे हम जब दिखाए हैं वो है बड़ी पाखर, आयली को हम लोग बोलते हैं भौजी पाखर, ठीक है। आपका एक और पाखर है जो सेजली पाखर है, ज़्यादा दूर है, वो दिखाता हूँ मैं। यहाँ के आदमी जो क्या क्या नाम रखते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। फिर शाम हो चुका है इसलिए वीडियो भी सही नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या बोलते हैं उनको, पाखर है वहाँ है जो आपको दिख रहा होगा, जो उसको हम लोग छेटकी सेजली पाखर बोलते हैं और इनको भौजी पाखर बोलते हैं और उनको छोटी पाखर बोलते हैं। और उससे बड़ी पाखर है जो आपको उस तरफ दिखाए हुए थे। तो दोस्तों नेक्स्ट वाला वीडियो जो है ना ये फसल सब के बारे में आएंगे, किसान किस तरीके से इसमें खून और पसीना लगाते हैं और उसके बाद कितना सानी कितना थोड़ा मिलता है, थोड़ा थोड़ा मिलता है। मेरे को खुद मालूम चला है, मैं खुद फसल उगाया हूँ और मुझे खुद मालूम चला है कितना खर्च हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है। अरे खून पसीना लगा देते हैं फसल इसमें, किसान जो है ना खून पसीना लगाते हैं फिर भी फ़ायदा नहीं होता इसको, मालूम है ना। तो चलते हैं दोस्तों, आज का व्लॉग जो है मैं इसी जगह पे एंड करूंगा। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्लीज़ भाई लोग पूरा वीडियो वॉच किया कीजिएगा, थोड़ा बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है गाइस, तो सॉरी, ठीक है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुका है, हम अकेले यहाँ पे तन्हाई में है और चलते हैं दोस्तों घर की तरफ। तो अब जो है ना नेक्स्ट वाला व्लॉग बनाऊंगा जो बसेठा में मैं जाऊँगा, बसेठा की तरफ जाने वाला हूँ, कल जाऊँगा तो कल का व्लॉग आने वाला है। तो चले गाइस बाय, और लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट प्लीज। तो बाय।